हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिश। आज हम फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई एक पोएम गोइंग करने जा रहे हैं। उनकी यह पोएम 1955 में पब्लिश करवाई गई थी और यह पोएम बिल्कुल छोटी सी है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 10 लाइंस हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसा दिखता है कि यह पोएम नेचर पे बनी हुई है, नेचर के बारे में इसके अंदर बताया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर डेथ के बारे में बताया गया। नेचर के थ्रू पोइट बताना चाहता है कि हम डेथ के नज़दीक जा रहे हैं। और इसके अंदर हालांकि किसी भी लाइन के अंदर डेथ का नाम नहीं लिया गया है, जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यह पोइम थोड़ी सी हटके है। इसका थीम अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन इसके अंदर जो छुपा हुआ है ना, हम उसे समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं, अब हम हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ एन इवनिंग कमिंग अक्रॉस द फील्ड्स। पोइट एक इवनिंग का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक शाम है वो आ रही है अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों से होकर। यानी कि पोइट कहना चाहता है चारों तरफ अंधेरा है। वन नेवर सीन बिफोर, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यानी कि पोइट ये कहना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा रहा है और मैंने यह अंधेरा पहले कभी नहीं देखा। दैट लाइट्स नो लैम्प्स, और किसी प्रकार की रोशनी, किसी प्रकार के लैम्प्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिल्कन इट सीम्स एट ए डिस्टेंस, और इसे यदि दूरी से मैं देख रहा हूँ तो यह मुझे एक प्रकार के मुलायम कपड़े के समान लग रही है। यानी कि मुझे एक सीट ऑफ कंफर्ट लग रही है क्योंकि मुझे यह बहुत ज़्यादा आरामदायक दिखाई दे रही है। येट वैन इट इज़ ड्रोन ओवर द नीज़ एंड ब्रेस्ट, यानी कि जो मौत की चादर है वो मेरे घुटनों से मेरे ब्रेस्ट तक मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ऊपर ये जो चादर है वो तन गई है, यानी कि मौत की चादर उसके ऊपर तन चुकी है। इट ब्रिंग्स नो कम्फर्ट, और मुझे किसी भी प्रकार का आराम नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि उसकी ज़िंदगी में कम्फर्ट अब ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। इस स्टंजा के अंदर वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें जो समझ नहीं आएगा वो तो वो पूछेंगे ही। वेयर हैज़ द ट्री गोन, यानी कि जो पेड़ है वो कहाँ चले गए हैं। यानी कि वो किसी तरह की आस का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि उससे कोई हेल्प नज़र नहीं आ रही है। That locked earth to the sky, जो धरती को आसमान तक जोड़ते हैं। What is under my hands, अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे हाथों के नीचे क्या है। That I can't feel, जो मुझे feel नहीं हो रहा है, यानी कि उसे अपनी मौत दिख रही है सिर्फ, उसे और कुछ feel नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि मेरे हाथों के नीचे जो है ना वो मुझे feel नहीं हो रहा है। What loads माई हैंड डाउन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों के ऊपर कोई वजन पड़ रहा है और मेरे हाथ नीचे की तरफ धंसते जा रहे हैं। यानी कि वो कहना चाहता है कि मेरे जो हाथ है वो ज़मीन में गड़ते जा रहे हैं। वो कहना चाहता है कि मैं अब मर गया हूँ और मुझे जो लोग हैं वो ज़मीन में दफन करने वाले हैं। एक तरह से सोचिए तो यह पोएम सिर्फ नेचर की पोएम लग रही है, लेकिन यदि जो पोइट की डीप फीलिंग्स है उनकी तरफ जाया जाए तो पता चलता है कि यह जो पोएम है वो डेथ पर लिखी गई है। सो गाइस, आज की हमारी ये छोटी सी पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।